हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिया। देवस्थली नगरी उज्जैन जहां स्वच्छता को लेकर अव्वल आया है, वहीं अपराध का ग्राफ भी काफी नीचे आया है। जिले की आवाम का मानना है कि ये सब जो अपराध कम हुए हैं उसका श्रेय जाता है जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर को। उनके द्वारा किए हुए जनहित के कार्य को देखते हुए दिल्ली की एक संस्था ने 18 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा। बताया जाता है कि जिले में अपराधों में जो कमी आई है और पूरे प्रदेश में कहीं नजर नहीं आती है, वो सिर्फ हुआ है एसपी सचिन अतुलकर के कारण। दिल्ली की एक सेवा संस्था द्वारा संपूर्ण भारत में अच्छे कार्य करने वाले 10 वरिष्ठ समाज सेवी को सम्मानित करने की योजना बनाई गई। उसमें अतुलकर का नाम सर्वप्रथम पर रखा गया। सचिन अतुलकर को उनके द्वारा अभियान पवित्र को सफलतापूर्वक चलाए जाने पर एनजीओ द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। 18 अप्रैल को दिल्ली की मेट्रोपॉलिटन होटल में अतुलकर को सम्मानित किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले 10 लोगों को देश भर में चिन्हित कर सम्मानित किया जा रहा है। इस संस्था का संचालन वरिष्ठ पत्रकार करण भारद्वाज और पूरन कुमार द्वारा किया जाता है। बताया जाता है कि पुलिस अधीक्षक सचिन कुमार अतुलकर को अपने क्षेत्र में देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने पर ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उज्जैन पुलिस को आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखने और जनता और पुलिस के बीच आपसी समन्वय को देखकर भी ये पुरस्कार मिल रहा है। बताया जाता है कि एनजीओ द्वारा साल भर तक मॉनिटरिंग करने के बाद पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों की सूची जारी की गई है। सबसे पहले देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की सूची बनाई गई। इसके बाद सैकड़ों लोगों में से उज्जैन एसपी सचिन कुमार अतुलकर को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इस संबंध में एनजीओ ने पुलिस महानिदेशक को पत्र भी लिखा है। ये उज्जैन के लिए जिले की शान बढ़ाने की बात है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।